हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी 47 पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राइस कल्टीवेशन। राइस का बोटैनिकल नेम है ओराइजा स्टाइवा, फैमिली ग्रैमिनी, क्रोमोसोम नंबर 2N इज इक्वल टू 24, ओरिजन साउथ ईस्ट एशिया इंडिया बर्मा, डिस्ट्रीब्यूशन ब्राज़ील USA इंडिया चाइना इंडोनेशिया। डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार। कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, फर्स्ट क्लाइमेट, इट रिक्वायर हॉट क्लाइमेट फॉर इट्स प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। राइस की कल्टीवेशन के लिए हमें हॉट क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 20 to 37 डिग्री सेल्सियस इज़ गुड फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हमें 20 to 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर चाहिए। फॉर फ्लावरिंग 26 to 29 डिग्री सेल्सियस इज़ गुड। फॉर ग्रेन फॉर्मेशन 20 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड। फ्लावरिंग के लिए 26 से 29 और ग्रेन फॉर्मेशन के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। सेकेंड, सॉइल, लूमी क्ले एंड लूमी सॉइल इज़ गुड फॉर राइस कल्टिवेशन। इसकी कल्टीवेशन के लिए लूमी सॉइल बेस्ट होती है क्योंकि इसमें वाटर स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर सॉइल। द सॉइल शुड बी रिच इन ऑर्गेनिक मैटर हैविंग पीएच रेंज ऑफ 5 to 9। जो इसके लिए सॉइल है वो ऑर्गेनिक मैटर में रिच होने चाहिए क्योंकि इस क्रॉप की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। पीएच रेंज ऑफ 5 to 9, 5 to 9 के बीच में पीएच होना चाहिए सॉइल का। थर्ड पॉइंट, सोइंग टाइम, टू ऑब्टेन गुड ईल्ड फ्रॉम क्रॉप ऑप्टिमम टाइम ऑफ सोइंग इज 1 June to 15 July। 1 June से लेकर 15 July के बीच में इसका सोइंग टाइम है। फोर्थ पॉइंट, सोइंग मेथड, देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ सोइंग, फर्स्ट डायरेक्ट बाय सीड ड्रिल, सेकेंड बाय ट्रांसप्लांटिंग। फर्स्ट वाले मेथड में हम सीधा ही सीड ड्रिल से ही सोइंग कर देते हैं। इसमें 1 to 2 kg ज़्यादा सीड लगता है एज़ कम्पेयर टू ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग में हमें नर्सरी को रेज करना पड़ता है और उसके बाद जो सीडलिंग्स तैयार होती है उनकी ट्रांसप्लांटिंग करनी पड़ती है। फिफ्थ पॉइंट, रेजिंग ऑफ नर्सरी, द लैंड विच इज़ यूज्ड फॉर रेजिंग द नर्सरी शुड बी प्लो 2 to 3 टाइम्स फॉलोड बाई प्लैंकिंग। जिस जगह पर हमें नर्सरी रेज करनी है वहाँ पर हमें 2 से 3 बार प्लो यूज़ करने चाहिए और 1 बार कम से कम प्लैंकिंग करनी चाहिए ताकि हमारी जो सीडलिंग्स है वो अच्छे से ग्रो हो सकें। फॉर 1 acre नर्सरी 8 kg ऑफ राइस सीड इज़ रिक्वायर्ड। द टाइम एंड मेथड ऑफ सोइंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर गेटिंग हेल्दी सीडलिंग्स। 1 acre के लिए 8 kg राइस सीड चाहिए हमें। द टाइम ऑफ नर्सरी सोइंग इज़ फ्रॉम 15 May to 30 May। वराइटी लाइक PR 122 शुड बी सोन फ्रॉम 15 May to 20 May। वराइटी लाइक PR 114, PR 121, PR 124, PR 123 शुड बी सोन बिटवीन 20 to 25 May। राइस क्रॉप के लिए हमें नर्सरी 15 May से लेकर 30 May के बीच में सो कर देनी चाहिए और ये वराइटी टू वराइटी वेरी करती है। नंबर 6, सीड ट्रीटमेंट, ट्रीट द सीड विद बविस्टन एट द रेट 20 gram इन 1 liter ऑफ वाटर फॉर 8 to 10 hours बिफोर सोइंग। हमें सोइंग करने से पहले 8 से लेकर 10 घंटे के लिए सीड को बविस्टन 20 gram के साथ पानी में भिगोकर रखना चाहिए ताकि हम अपने प्लांट को फंगस से होने वाले डिजीजेस से बचा सकें। 7th पॉइंट, सोइंग मेथड फॉर नर्सरी, डिप द सीड इन वाटर, द इम्प्योरिटीज इमेच्योर ग्रेन शुड बी रिमूव्ड दैट फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ वाटर वेयर एज मैनी सीड विल सेटल डाउन एंड आर कोलेक्टेड सेपरेटली एंड नर्सरी सोइंग इज डन। नर्सरी को सो करने से पहले हमें जो सीड है उनको पानी में डाल देना चाहिए और जो हैवी सीड होंगे या प्योर सीड होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे और जो हल्के सीड होंगे इमेच्योर होंगे या कोई इम्प्योरिटीज़ होगी वो ऊपर पानी क्या कर तैरने लगेंगी, फ्लोट करने लगेंगे। उनको हमें कलेक्ट करके फेंक देना है और जो हमारे प्योर सीड है उनको सो कर देना है। 8th, लैंड प्रिपरेशन,
मिक्स और डीकम्पोज ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप इफ़ ग्रोन बिफोर द राइस क्रॉप। अगर हमने कोई ग्रीन मैन्योर क्रॉप उगाई है राइस से पहले तो उसको हमें डीकम्पोज कर देना चाहिए। इरीगेट द फील्ड टू अलाउ जर्मिनेशन ऑफ वीड एंड प्लोइंग इज डन टू किल ऑल द वीड दैट इमर्जेंस। हमें वीड कंट्रोल के लिए इसको पहले से ही इरीगेट कर देना चाहिए ताकि जो वीड उगेंगे वो पहले ही उग जाएं और हम उनको प्लो करके डिस्ट्रॉय कर सकें। नाइन्थ पॉइंट, नर्सरी सोइंग। स्प्रेड द ट्रीटेड सीड इन 7 to 8 centimeter थिक लेयर ओवर वेट गनी बैग एंड कवर दैम प्रॉपरली। जिस सीड को हमने वेबिस्टन से ट्रीट किया उसको हम 7 to 8 centimeter थिक लेयर ऑफ गनी बैग के ऊपर स्प्रेड कर देंगे और उनको प्रॉपरली कवर कर देंगे। द सीड विल कीप द लेयर मॉइस्ट बाई स्प्रेइंग वाटर। अगर वो लेयर ड्राई हो रही है तो उसको मॉइस्ट रखना है हमें। द सीड विल स्प्राउट इन 24 to 30 hours। जो सीड है वो जर्मिनेट स्प्राउट करने लगेगा 24 से 30 घंटों में। सो द प्री जर्मिनेटेड सीड एट द रेट ऑफ 1 kg per 20 meter square बाय ब्रॉडकास्टिंग। हमें ब्रॉडकास्टिंग मेथड के थ्रू उस सीड को सो कर देना है। इरीगेट द फील्ड रेगुलरली एंड कवर द ब्रॉडकास्टिंग राइस सीड विद थिन लेयर ऑफ सॉइल टू प्रिवेंट द डैमेज फ्रॉम बर्ड्स। बर्ड की डैमेज से बचाने के लिए हमें उस राइस सीड को थिन लेयर ऑफ सॉइल से कवर कर देना चाहिए ताकि उसको बर्ड्स डिस्ट्रॉय ना कर सकें। 10th पॉइंट, फर्टिलाइजर। ड्यूरिंग नर्सरी सोइंग अप्लाई 26 kg ऑफ यूरिया आफ्टर सोइंग टू गेट नर्सरी रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग इन 20 to 30 days। जो हमने नर्सरी सोइंग किया उसमें हमें 26 kg यूरिया डालनी चाहिए ताकि हमारी जो नर्सरी है वो जल्दी तैयार हो सके 20 से 30 दिनों के अंदर। येलोइंग ऑफ लीफ इज द मेन प्रॉब्लम, सो स्प्रे 2% यूरिया विद मैनकोजेब एट द रेट 2 gram per liter। हमें येलोइंग डिजीज़ को नर्सरी से निकालने के लिए हमें 2% यूरिया के साथ मैनकोजेब यूज़ करनी चाहिए। 11th, इरीगेशन। इरीगेशन द फील्ड रेगुलरली, प्रॉपर इरीगेशन चैनल एंड वाटर मैनेजमेंट इज द की ऑफ सक्सेसफुल राइस कल्टीवेशन। राइस कल्टीवेशन के लिए हमें इरीगेशन को स्पेशली ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि इसकी क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। अगर हम इसकी वाटर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे तो ना तो इसकी प्रॉपर ग्रोथ होगी और ना ही यील्ड होगी अच्छी। कीप द वाटर स्टैंडिंग इन फील्ड एटलीस्ट 2 weeks आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग और वेस्ट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीडलिंग। जब तक हमारी सीडलिंग्स एस्टैब्लिश नहीं हो जाती तब तक हमें दो वीक के लिए पानी को स्टैंडिंग रखना पड़ेगा हमारे फील्ड में। केयर शुड बी टेकन दैट क्रैक शुड नॉट डेवलप इन द फील्ड। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे खेत में दरारें नहीं आनी चाहिए। उन दरारों से अगर दरारें आ जाएगी तो पानी खेत में रुकेगा नहीं और हमें ज़्यादा पानी देना पड़ेगा। स्टॉप इरीगेशन 15 days बिफोर हार्वेस्टिंग। जब हमें हार्वेस्ट करनी हो क्रॉप तो 15 दिन पहले हमें इरीगेशन को स्टॉप कर देना चाहिए। 12th, मन्योर एंड फर्टिलाइजर। यूरिया एट द रेट 130 kg per acre अप्लाइड इन 3 doses। हमें 130 kg यूरिया डालनी है 3 doses में। फर्स्ट वीक, पहले वीक में डालनी है, 5th week में एंड 9th week। DAP एट द रेट 40 kg per acre। DAP 40 kilo 1 acre में। 13th पॉइंट, हार्वेस्टिंग। क्रॉप इज रेडी फॉर हार्वेस्ट वेन द ईयर टर्न येल्लो एंड मॉइस्चर कंटेंट रीच 18 to 20% इन ग्रीन। जब हमारी क्रॉप येल्लो कलर में हो जाए और उसका ग्रीन का मॉइस्चर कंटेंट 18 to 20% के बीच में आ जाए तब हमारी क्रॉप हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। 14th, वीड कंट्रोल। फॉर कंट्रोल ऑफ वीड स्प्रे पेंडीमेथिलीन 1 liter इन 200 liter ऑफ वाटर पर एकड़। वीट को कंट्रोल करने के लिए हमें पेंडीमेथिलीन यूज़ करनी चाहिए जो कि प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है। नॉमिनी गोल्ड एट द रेट 100 ml पर एकड़। नॉमिनी गोल्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं। आगे आ गए इंसेक्ट पेस्ट ऑफ राइस। इसके इंसेक्ट पेस्ट, फर्स्ट राइस स्टेम बोरर। द लार्वा ऑफ दिस इंसेक्ट बोर इन टू द स्टेम एंड कॉज डैमेज ड्यूरिंग जुलाई टू अक्टूबर। इस जो इंसेक्ट पेस्ट है इसका जो लार्वा होता है वो राइस की स्टेम में कर देता है और
एंड कॉज डैमेज ड्यूरिंग जुलाई टू अक्टूबर, जुलाई और अक्टूबर के महीने में डैमेज कॉज करता है। द इफेक्टेड प्लांट शुड डेड हार्ट, जो इसके द्वारा इफेक्टेड प्लांट है वो क्या शो करते हैं, डेड हार्ट मतलब येलोइंग एंड ड्राइंग ऑफ सेंट्रल शूट, वो प्लांट मर जाते हैं। कंट्रोल क्या है इस डिजीज़ का, द फील्ड शोइंग 5% डेड हार्ट शुड बी सेपरेट विद 20 ml फेम और 170 g मोर्टार और 560 ml मोनोसिल इन 100 L ऑफ वाटर पर एकड़। ये मतलब हमें सारी इंसेक्टिसाइड यूज़ करनी चाहिए इसके इंसेक्ट को किल करने के लिए। रिपीट द एप्लीकेशन इफ़ द डैमेज रीच इकोनॉमिक थ्रेश होल्ड लेवल। सेकेंड, लीफ फोल्डर, द लार्वा फोल्ड द लीफ एंड ईयर आउट द ग्रेन टिश्यू। ये क्या करता है, हमारी लीफ को जो अपनी क्रॉप का लीफ है उसको फोल्ड कर देता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये पहले वाला राइस स्टेम बोरर है और ये दूसरे वाला लीफ फोल्डर है। द डैमेज इज हाईएस्ट ड्यूरिंग अगस्त एंड अक्टूबर, जो लीफ फोल्डर है उसकी डैमेज कब ज़्यादा होती है, अगस्त एंड अक्टूबर के मंथ में। कंट्रोल क्या है, सेपरेट 20 ml फेम और 170 g मोर्टार इन 100 L ऑफ वाटर पर एकड़। थर्ड पॉइंट, थर्ड डिजीज इंसेक्ट पेस्ट, प्लांट हॉपर, बोथ निम्फ एंड अडल्ट सक द सेल सैप फ्रॉम लीफ शीथ ड्यूरिंग जुलाई टू अक्टूबर, जुलाई से अक्टूबर के बीच में ये सेल का सैप सक कर लेते हैं और वो जो अपना प्लांट है वो ड्राई हो जाता है। द क्रॉप ड्राई अप स्लोली एंड हॉपर मूव टू द नेक्स्ट प्लांट एंड किल देम, जब वो प्लांट को पूरी तरह किल कर देता तो वो नेक्स्ट प्लांट पे चला जाता है। कंट्रोल क्या है, कॉन्फिडोर एट द रेट 40 ml और इकालेक्स एट द रेट 100 ml इन 100 L ऑफ वाटर। इसमें आप देख सकते हैं ये प्लांट हॉपर है और अगली जो हम इंसेक्ट पेस्ट पढ़ने जा रहे हैं वो ग्रास हॉपर है। फोर्थ, ग्रास हॉपर, द अडल्ट एंड निम्फ ऑफ ग्रास हॉपर ईट द लीफ ड्यूरिंग नर्सरी टाइम, जब नर्सरी हम सीडलिंग्स ग्रो कर रहे होते हैं तब ये अटैक करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कंट्रोल सेम एज प्लांट हॉपर, जो हम प्लांट हॉपर में यूज़ कर रहे हैं वही इसमें यूज़ करेंगे। फिफ्थ इंसेक्ट पेस्ट, राइस हिस्पा, इट इज़ द सीरियस पेस्ट इन गुरदासपुर एंड अमृतसर एरिया इन पंजाब, द ग्रब ऑफ दिस पेस्ट एंटर इन टू द लीफ एंड प्रोड्यूस बोल्ड वाइट स्ट्रीक ऑन द लीफ ऑफ प्लांट। ये मतलब डिजीज पंजाब में ज़्यादा कॉमन है और जो इसका पेस्ट है वो एंटर कर जाता है लीफ में और उसको बोल्ड एंड वाइट स्ट्रीक ऑन द लीफ, उसमें लंबी लंबी धारियाँ बनाने लगता है और जो अपना प्लांट है उसको ख़त्म कर देता है। इसका कंट्रोल क्या है, स्प्रे मिथाइल पैराथियन एट द रेट 120 ml और मोनोसिल एट द रेट 500 ml इन 100 L ऑफ वाटर। ये राइस हिस्पा की पिक है और अगली इंसेक्ट पेस्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है राइस रूट वीविल। राइस रूट वीविल, इट इज़ द वाइट लेगलेस ग्रब दैट फीड ऑन द रूट फ्रॉम जुलाई टू सेप्टेम्बर विच टर्न प्लांट येल्लो एंड ग्रोथ इज स्टंटेड एंड प्रोड्यूस ओनली फ्यू टिलर्स। इस इंसेक्ट पेस्ट के कारण प्लांट का कलर येलो हो जाता है और उसकी ग्रोथ रुक जाती है और वो थोड़े से ही टिलर प्रोड्यूस कर पाता है। इसका कंट्रोल क्या है, टू अवॉइड डैमेज बाय रूट वीविल फ्रॉम द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग इट इज़ रिकमेंडेड टू अप्लाई ए ट्रीटमेंट ऑफ सीडलिंग विद क्लोरोपायरीफोस एट द रेट 3 ml पर लीटर ऑफ वाटर फॉलोड बाय सॉइल एप्लीकेशन प्रायर टू ट्रांसप्लांटिंग विद कार्ट्रैप हाइड्रोक्लोराइड एट द रेट 20 g पर हेक्टेयर। इसका कंट्रोल के लिए हमें क्लोरोपायरीफोस यूज़ करनी चाहिए 3 ml एट द रेट पर लीटर। सेवन्थ इंसेक्ट पेस्ट, राइस ईयर कटिंग कैटरपिलर, द यंग लार्वा फीड ऑन द लीव्स इट कॉज डैमेज ड्यूरिंग सेप्टेम्बर टू अक्टूबर पार्टिकुलरली नाइट टाइम। ये रात के समय ज़्यादा डैमेज कॉज करता है। कंट्रोल क्या, स्प्रे इकालेक्स एट द रेट 400 ml पर एकड़ इन 100 L ऑफ वाटर। डिजीज ऑफ राइस, फर्स्ट डिजीज बैक्टीरियल ब्लाइट, ग्रीनिश येलो स्ट्राइप्स अपीयर अलोंग द लीफ मार्जिन एंड प्लांट स्टार्ट्स ड्राइंग अप एंड बिकम वाइट इन कलर, फ्रेशली ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स आर आल्सो इफेक्टेड बाय दिस डिजीज रिजल्टिंग इन कंप्लीटली ड्राई अप ऑफ द
प्लांट। इसमें क्या होता है, जो हमारा लीफ का मार्जिन है साइड वाला, वो कैसा हो जाता है, ग्रेश येलो स्ट्राइप्स आने लगती हैं और प्लांट धीरे धीरे ड्राई होकर ख़त्म होने लगता है। कंट्रोल क्या है इसका, ग्रो रेजिस्टेंट वराइटी लाइक PR126, PR124। इस पहला कंट्रोल तो क्या है, रेजिस्टेंट वराइटी ही ग्रो कर लो। सेकंड, डू नॉट अप्लाई एक्सेसिव डोज ऑफ नाइट्रोज, नाइट्रो यूरिया की हमें डोज ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए। डू नॉट ग्रो नर्सरी अंडर शेड, हमें छाया में नर्सरी ग्रो नहीं करनी चाहिए। ये इसकी बैक्टीरियल ब्लाइट की पिक है। इसमें आप देख सकते हो कि मार्जिन में पूरा पूरा येलो हो चुका है और प्लांट डाई होने लग रहा है। सेकंड, बैक्टीरियल लीफ स्ट्रीक, स्मॉल स्ट्रीक अपीयर इन द एरिया ऑफ लीफ विच लार्ज एंड टर्न रेडिश एट मैच्योरिटी स्टेज। जब मैच्योरिटी स्टेज होती है वो रेडिश कलर में कन्वर्ट हो सकती है। आप इस पिक में देख सकते हो कि रेडिश रेडिश की स्ट्रीक्स आ रही हैं छोटी छोटी। कंट्रोल क्या है, प्रॉपर सीड ट्रीटमेंट शुड बी डन बिफोर सोइंग एंड ड्राई द सीड इन द शेड आफ्टर सोकिंग इन वाटर। हमें, जैसे हमने पढ़ा कि विवेस्टन के साथ ट्रीट करने के लिए हमें 8 से 10 घंटे के लिए छोड़ देना चाहिए, वही इसका कंट्रोल है। थर्ड, ब्लास्ट द फंगस कोज स्पिंडल शेप्ड स्पॉट विद ग्रे सेंटर बिटवीन मार्जिन एंड द लीफ एट मैक्स टिलरिंग स्टेज। जब टिलरिंग अपने मेच्योरिटी स्टेज पर होती है तब ये छोटे छोटे स्पिंडल शेप स्पॉट्स आते हैं लीफ पर। इसका क्या कंट्रोल है, सेपरे एमिस्टर एट द रेट 200 ml और इंडोफिल एट द रेट 200 g पर एकड़ इन 200 L ऑफ वाटर एट मैक्स टिलरिंग एंड ईयर इमरजेंस स्टेज। सेकंड कंट्रोल क्या है इसका, डू नॉट अप्लाई हैवी डोज ऑफ नाइट्रोज, नाइट्रोजन की हमें हैवी डोज यूज नहीं करनी चाहिए। फोर्थ, ब्राउन लीफ स्पॉट, ओवल शेप्ड एंड आई शेप्ड स्पॉट अपीयर इन सेंटर एंड स्पॉट्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द ग्रीन्स। इसमें क्या है कि जो हमारा ग्रीन है उसके ऊपर भी छोटे छोटे स्पॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। इट अक्कर मोर इन पुअर सॉयल, अगर हम पुअर सॉयल में कल्टीवेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर यह डिजीज़ ज़्यादा होगी। कंट्रोल, स्प्रे नेटिव एट द रेट ऑफ 80 g और इंडोविल एट द रेट 500 g इन 200 L ऑफ वाटर पर एकड़। बी, गिव बैलेंस डाइट ऑफ न्यूट्रिशन टू द क्रॉप, हमें अच्छी से जो रिकमेंडेड है वही हमें यूरिया DAP वगैरह डालनी चाहिए, ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए। फिफ्थ, शीथ प्लाइट, ग्रेइश ग्रीन पैचेस अपीयर ऑन द लीफ शीथ विद पर्पल मार्जिन, दिस डिजीज अक्कर इन पुअर सॉइल, जो भी पुअर सॉइल में डिजीज ज़्यादा होती है। कंट्रोल, डिस्ट्रॉय द राइस स्ट्रॉ एंड स्टेबल आफ्टर हार्वेस्टिंग, अवॉइड एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजन। सिक्स, स्टेम रॉट, द फंगस अफेक्ट द स्टेम एट ईयरिंग स्टेज एंड ब्लैक पैचेज आर फॉर्म ऑन द शीथ एट वाटर लेवल, द स्टेम गेट्स इन्फेक्टेड एंड प्लांट ग्रोथ स्टंटेड विच रिजल्ट डिक्रीज इन ईल्ड। इससे क्या होती है कि हमारी प्लांट की ईल्ड कम हो जाती है। ईल्ड तो वैसे सभी डिजीज से कम होती है, अगर प्लांट हेल्दी होगा तभी इसकी ईल्ड ज़्यादा होगी, अगर कोई डिजीज है तो ईल्ड तो कम होगी होगी। कंट्रोल, सेपरेट टिल्ट एट द रेट 200 g इन 200 L ऑफ वाटर। सेवंथ, शीथ रॉट, ए वाइट पाउडरी ग्रोथ ऑफ फंगस अपीयर ऑन द पेनिकल अंडर द शीथ। कंट्रोल, डिस्ट्रॉय राइस स्ट्रॉ आफ्टर हार्वेस्टिंग द इन्फेक्टेड क्रॉप, अगर ये क्रॉप इन्फेक्टेड है तो उसका स्ट्रॉ डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। यूज डिजीज फ्री सीड फॉर सोइंग एंड अप्लाई बवेस्टन एट द रेट 200 g इन 200 L ऑफ वाटर पर एकड़। आ गया वराइटीज ऑफ राइस। फर्स्ट, PR126, इट इज़ एन अर्ली मैच्योरिंग वराइटी हैविंग प्लांट हाइट 102 cm, मैच्योरिंग इन 123 days, इट इज़ रेजिस्टेंट टू मैनी डिजीज, द एवरेज ईल्ड इज 30.9 क्विंटल पर एकड़। सेकेंड, PR123, the average plant height is 105 cm which mature in 143 days, it has good cooking and eating quality character, it is resistant to all 10 type of bacterial blight pathogen, average yield is 29 quintal per acre. Third, PR122,
एवरेज प्लांट हाइट इज 108 सेंटीमीटर, मैच्योरिंग इन 147 डेज, इट हैज लॉन्ग सिलेंडर ग्रेन, इट इज रेजिस्टेंट टू ऑल 10 पैथोटाइप ऑफ बैक्टीरियल ब्लाइट पैथोजन, द एवरेज यील्ड इज 32 क्विंटल पर एकड़। फोर्थ PR 112, द प्लांट हाइट इज शॉर्ट 98 सेंटीमीटर विद डार्क ग्रीन लीफ, मैच्योरिंग इन 140 डेज, द ग्रेन आर लॉन्ग सिलेंडर विद गुड कुकिंग क्वालिटी, एवरेज यील्ड इज 30.5 क्विंटल पर एकड़। फिफ्थ वराइटी PR 114, इट हैज़ नैरो डार्क ग्रीन लीफ विद प्लांट हाइट ऑफ 102 सेंटीमीटर, मैच्योर इन 145 डेज, इट इज रेजिस्टेंट टू 5 of 10 पैथोटाइप ऑफ बैक्टीरियल ब्लाइट पैथोजन्स, एवरेज यील्ड इज 28 क्विंटल पर एकड़। सिक्स्थ PR 115, एवरेज प्लांट हाइट इज 100 सेंटीमीटर, इट हैज़ लॉन्ग इरेक्ट लीफ दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम डैमेज बाय बर्ड्स, द ग्रेन आर लॉन्ग सिलेंडर इन शेप, इट मैच्योर इन 125 डेज, इट इज लेट ग्रोन वराइटी विद एवरेज यील्ड ऑफ 24 क्विंटल पर एकड़। ये वाली वराइटी लेट ग्रोन वराइटी है, इसीलिए इसकी यील्ड कम है, क्योंकि इसका मैच्योरिटी पीरियड कम है, तो ऑब्वियस है यील्ड तो कम होगी ही। सेवन्थ वराइटी PR 113, एवरेज प्लांट हाइट इज 105 सेंटीमीटर, ग्रेन आर मीडियम बोल्ड एंड हैवी, द क्रॉप मैच्योर इन 142 डेज, एवरेज यील्ड इज 28 क्विंटल पर एकड़। और ये थी आपकी लास्ट वैरायटी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बॉटनी ऑफ राइस। बॉटनी में सबसे पहले आ जाता है रूट सिस्टम। राइस फॉर्म ए फाइब्रस रूट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ सेमिनल, नोडल एंड लेटरल रूट्स। तीन प्रकार की रूट्स होती हैं, सेमिनल, नोडल एंड लेटरल रूट्स। एज द राइस ग्रेन जर्मिनेट्स, द रेडिकल पियर्सिस इट्स वे आउट थ्रू द कॉलेरेजिया एंड इनवेल्पिंग ग्लूम एंड फॉर्म द सेमिनल रूट। सबसे पहले कौन सी रूट बनती हैं? सेमिनल रूट्स। लेटरल रूट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेमिनल रूट्स। जो लेटरल रूट्स हैं वो सेमिनल रूट से आगे फर्दर बनती हैं। एज द सीडलिंग बिगेन टू ग्रो, एडवेंटिशियस रूट अराइज फ्रॉम द बेसल नोड। द रूट सिस्टम इन राइस वराइज मच बिटवीन द डिफरेंट वराइटी। ये वराइटी के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। रूट डेवलपमेंट इज प्रमोटेड बाई ऑर्गेनिक मन्योर एंड फॉस्फेटिक मन्योर। क्ले सॉयल सीम्स टू बी आइडियल फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ रूट। वैसे भी राइस कल्टिवेशन के लिए लूमी क्ले और क्ले सॉयल ही चाहिए, क्योंकि इसमें वाटर को स्टोरेज करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर सॉयल। नोडल रूट डेवलप ऑन हायर नोड्स एंड हेल्प द प्लांट टू अब्जॉर्ब द फूड मटीरियल फ्रॉम द सराउंडिंग वाटर। जो वाटर में हम फर्टिलाइजर वगैरह देते हैं या कोई न्यूट्रिशन देते हैं उसको अब्जॉर्ब करने में ये रूट्स हेल्प करती हैं। अगला आ गया सेकेंड पॉइंट, शूट सिस्टम। ऑल प्लांट पार्ट विजिबल अबव द ग्राउंड पार्ट आर इंक्लूडेड अंडर शूट सिस्टम। जो भी ग्राउंड से अप आ गया, मतलब रूट से अप आ गया, वो सारा ही शूट सिस्टम के अंदर आता है। विच इज़ कंपोज ऑफ कुलम, लीव्स एंड इनफ्लोरेसेंस। फर्स्ट कॉलम, द स्टेम और कोलम इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ नोड एंड इंटरनोड्स। द राइस स्टेम इज हॉलो एक्सेप्ट एट नोड्स, ईच नोड वियर ए लीफ एंड ए बड। इसमें क्या होता है कि राइस में जैसे वीट की स्टेम होती है, बाहर वार से कवरिंग होती है और अंदर सारा स्टेम पूरी खाली होती है। हॉलो एक्सेप्ट एट नोड्स, जहाँ पर नोड्स होते हैं वहीं पर मतलब सॉलिड होता है, बाकी खाली होती है अंदर से। अंडर फेवरेबल कंडीशन बड नियर ग्राउंड लेवल ग्रो इन टू टिलर्स। अगर फेवरेबल कंडीशन हो तो वो टिलर्स में ग्रो कर जाती है। द प्राइमरी टिलर गिव राइज टू सेकेंडरी टिलर विच गिव राइज टू टर्शरी टिलर। मतलब इनसे टिलर्स निकलते हैं और टिलर्स पे जाके आगे ग्रेन्स बनते हैं। सेकेंड, लीव्स। द लीफ ऑफ राइस आर ससाइल इन नेचर, दे आर बॉर्न एट एन एंगल ऑन द स्टेम एट ईच नोड। The leaf blade is attached to the node by leaf sheath. The rice leaf is similar to wheat leaf except length of ligule. इसमें ligule की लेंथ ज़्यादा होती है, अराउंड 1 to 2 सेंटीमीटर वीट से ज़्यादा होती है।
द लीफ नंबर इज मोर ऑन प्राइमरी टिलर देन ऑन सेकेंडरी एंड ऑन टर्शरी टिलर. सी पॉइंट पेनिकल. द राइस इनफ्लोरोसेंस इज नॉन एज पेनिकल. जैसे हम वीट के केस में उसकी इनफ्लोरोसेंस को ईयर कह देते हैं, इसमें इसको पेनिकल कहते हैं. बॉर्न ऑन अपर मोस्ट पार्ट ऑफ कोलम. द प्राइमरी पेनिकल ब्रांच इज डिवाइडेड इंटू सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रांचेस. डी स्पाइकलेट्स. इट कंसिस्ट ऑफ हार्ड कवरिंग द टू सेक्शन नॉन एज लीमा एंड पेलिया. द कंप्लीट फ्लावर इज इन बिटवीन दैम. जो राइस का फ्लावर होता है वो इनके बीच में होता है. द लीमा एंड पेलिया टुगेदर नॉन एज हल. द राइस फ्लावर कंटेन सिक्स फंक्शनेटिंग स्टेमन एंड पिस्टल. एट द बेस ऑफ फ्लावर द ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर नॉन एज लॉडिक्यूल्स. जो ट्रांसपेरेंट होता है उसके बेस में, उसको लॉडिक्यूल कहते हैं. राइस इज ए सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप. व्हेन ए राइस फ्लावर बिकम रेडी फॉर ब्लूमिंग द लॉडिक्यूल पुशेस द लीमा एंड पेलिया पार्ट. रप्चरिंग ऑफ द एंथर लीड्स टू शेडिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स. इस तरह से इसमें ग्रेन फॉर्मेशन होती है. थर्ड ग्रेन और आएगा यहाँ पर, ऑफ नहीं आएगा. ग्रेन और करियोप्सिस. राइस ग्रेन डेवलप आफ्टर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इज कम्प्लीट. फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन के बाद ग्रेन बनता है. द ग्रेन इज टाइटली इनक्लोज्ड बाय लेमा एंड पेलिया. द डीहल्ड राइस ग्रेन इज नॉन एज ब्राउन राइस. द पेरिकार्प इज द आउटर मोस्ट लेयर विच इन्वॉल्व द करियोप्सिस एंड इज रिमूव्ड व्हेन मिलिंग एंड पॉलिशिंग इज डन. जब मिल में आकर वहाँ से उसका पेरिकार्प निकाल देते हैं तो राइस का ग्रेन बचता है सीधा. द एम्ब्रियो कंटेन प्लम्यूल एंड रेडिकल. द प्लम्यूल इज इनक्लोज्ड बाय ए शीथ नॉन एज कोलियोपटाइल एंड रेडिकल बाय कोलियोरेचिया. द रेस्ट कैरियोप्सिस इज एक्यूपाइड बाय स्टार्ची एंडोस्पर्म. प्लम्यूल है जो सीड का वो शूट वाला पार्ट है, और ये रेडिकल है उससे रूट्स निकलती हैं. सबसे पहले रेडिकल वाला पार्ट ग्रो होता है और उसके रूट एस्टेब्लिश होने के बाद में शूट ग्रो होती है. और ये था आपका लास्ट पेज. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी 47. थैंक यू.